चमकीला है ये बकशॉट। चलो वो दोनों कौन है? तुम्हें नहीं पता? वो सिम्बा और बकशॉट है, हमारे भविष्य के राजा। आप दोनों को नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत खूब, एक तितली होने में बहुत मजा है। कितना लंबा समय बीत गया है और तुम्हें देखो बकशॉट, तुम्हारे पास तो अब सींग है और तुम बड़े हो गए हो। कितनी जल्दी, विश्वास ही नहीं होता। और तुम भी सिम्बा, तुम कितने ताकतवर हो गए हो और तुम्हारे बाल भी कितने खूबसूरत हैं। हाँ। मुझे यकीन है कि हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे। मुझे भी, ये मजेदार था। अलविदा छोटे बच्चों, अपना ख्याल रखना। आप भी तितली हो। तितलियाँ हमेशा खुश रहती हैं। क्या तुम भी उनकी तरह उड़ना चाहते हो? मुझे ऊंचाई पसंद नहीं। हे, चलो वरना हमें फुटबॉल खेलने के लिए देर हो जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। ये तो पकड़ू की आवाज है। वो मुसीबत में है। रुको, वो शेर खान भी हो सकता है। किसने हिम्मत की मुझे खाते वक्त परेशान करने की? पकड़ो, छोड़ो उसे। किस लिए? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मैं सिम्बा हूँ और वो मेरा भाई है। जाने दो उसे, वरना। वरना क्या, बदतमीज बच्चे? तुम मुझसे थोड़ी तमीज से बात क्यों नहीं करते? तुम्हें पता है मैं कितना ताकतवर हूँ। तुम चाहे जो भी बोलो, मैं तुमसे नहीं डरता। यूं ही बोल रहा हूँ। अच्छा वो देखो, जा रहा हूँ। नहीं, ये बहुत खतरनाक है, मेरे पीछे आओ। Yeah!
Simba, çabuk olalım. Oli'yi alalım, hadi. Rasta, bilkul saf hai. Simba, pakdo. मुझे यकीन इसके पीछे शेर खान ही है, इस बार वो पछताएगा। रुको रुको, और आगे मत जाओ, वहाँ एक आग उगलने वाला कोबरा है। क्या तुम्हें यकीन है कि वो पकड़ो और सिम्बा के पीछे था? मुझे नहीं पता, मैं तो मुश्किल से अपनी चोंच देख पाता हूँ इतने धुएं में। हमने जितना सोचा था ये उससे भी ज्यादा बुरा। पकड़ो सिम्बा, कहाँ हो तुम? सिम्बा, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं तुम्हें उस कोबरा के पास लेके जा सकता हूँ, शायद उससे कुछ मदद मिले। सही कहा, हम मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। चलो ढूंढते हैं। चलो बैठिया, देखो यहाँ कौन है। हे, देखो वो आ गए। ये बहुत कमजोर है, ये मेरी पीठ पर गरम रहेगा, पीठ पे रखो। पकड़ो मेरा बच्चा, पकड़ो। तुम ठीक हो? शुक्रिया। तुम बिल्कुल अपने पिताजी की तरह हो सिम्बा। बघीरा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो सांप कितना जहरीला है, उसका जहर तो हाथी को भी मार सकता है। मैं जानता हूँ, वो बहुत खतरनाक है। जल्दी आओ माँ, पकड़ो को तुम्हारी जरूरत है। चलो, मैं उस कोबरा को सबको परेशान करने नहीं दूंगा, उसे जाना ही होगा। बघीरा, मैंने सुना है कि एक आग उगलने वाला कोबरा बाहर है, क्या ये सच है? हाँ, उसने पकड़ू को खा ही लिया था। मैं मानता हूँ, क्या चबेली नाराज है? वो नाराज है और मैं उसे दोष भी नहीं दे सकता। कोबरा बहुत जहरीला होता है, सांपों में सबसे खतरनाक। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी एक सांप, शायद का के पास इसका जवाब हो। मैं भी यही सोच रहा था, मैं कल उससे मिलने जाता हूँ। आखिर वो सांपों का राजा है। तब तक मैं अपनी किताबों में देखता हूँ। अब चलो बगशॉट, उठ जाओ। सिम्बा, तुम्हें चलना चाहिए। क्यों नहीं देते? हमें जाकर कार से मिलना है। किस लिए सिम्बा? कोबरा से छुटकारा पाने के लिए। हाँ चलो, मैं बताता हूँ मैंने क्या सुना। हाँ तो क्या तुम मुझे बताओगे? बाद में। कौन जा रहा है वहाँ? यही है वो। तुम फिर से मिल गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ राजा का स्वाद कैसा है। पकड़ पाओगे तब ना? तुम्हें बड़ी हिम्मत है, कल तुमने मेरा खाना चुराया, अब मेरे सामने होशियारी कर रहे हो। ये मेरा जंगल है और तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं होगा। अच्छा ऐसा है, चलो हम एक सौदा करते हैं। Ah
तुम्हारी आजादी के बदले मुझे एक हिरन चाहिए नाश्ते में। कभी नहीं। बकशट मेरा सबसे खास दोस्त है और मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है। बस बहुत हुआ। क्या चल रहा है? इतने ज्यादा हंगामा क्यों मचा रखा है? सिम्बा तुम यहाँ किस लिए आए हो? हम बच गए। हम तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं का। सही वक्त पे आए हमेशा की तरह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम दोनों फिर से मुसीबत में हो? क्या चल रहा है कोबरा? क्या तुम फिर से इन्हें परेशान कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो थोड़ा मजाक कर रहा था, सांपों वाला मजाक। अच्छा तो मैं तुम्हें सांपों की एक सलाह दे देता हूँ। ये दोनों जादुई गोले द्वारा चुने गए हैं और एक दिन जंगल के राजा बनेंगे, तो प्रकृति माँ नहीं चाहती कि उन्हें कुछ हो। अच्छा मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अब मेरे दोस्तों को अकेला छोड़ दो। जैसा तुम चाहो। वो बहुत घटिया है, उसका जहर बहुत जहरीला है और उसका स्वभाव भी भयानक है। जानते हैं तो हम उससे कैसे लड़े? तुम नहीं लड़ सकते, तुम सब उससे दूर ही रहो, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा महाराजा धीराज। चलो तुम अपने घर जाओ, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। ठीक है, शुक्रिया का। हमें कोबरा के मामले में सलाह चाहिए थी। तो हम कहाँ से बात करने गए? और उसने कोबरा को भगा दिया। सच्ची? आहा। मुझे हैरानी है कि वो तुम्हें ऐसे क्यों दिख रहा है, लगता है निगल जाएगा। ध्यान से जाना, चलो फिर मिलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे कहाँ से कहते हुए सुना कि वो अब हमें परेशान नहीं करेगा। हाँ मैंने भी। फिर कोबरा ने कहा कि मैं ध्यान में रखूंगा और फिर काने हमें उसे अकेला छोड़ने को कहा और फिर वो चला गया और हमने उसे तब से नहीं देखा। का का शुक्रिया, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब चलो शिकार करने जाते हैं, ठीक है? हाँ, चलो। ठीक है, अब मेरे खरगोश के पीछे चलते हैं। क्या तुम बताओगे इसे कैसे ढूंढना है? पहले सूंघो और अपनी नाक से उसका पीछा करो। खतरा, खतरा! वो सांप इसी तरफ आ रहा है। कोई बात नहीं, तुम सब डर क्यों रहे हो? का ने कोबरा को हमें अकेला छोड़ने को कहा है। चलो चलते हैं, मैं तुमसे भागने का मुकाबला करूँगा। क्या ये हिरन की खुशबू है? वो सांप झूठा है। चलो। तुम मेरा शिकार हो। हमें उस पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। काश हमें पहले पता चलता तो मैं कहाँ से पूछता कि उसे कैसे छुटकारा पाए। जरा रुको, शेर खान की गुफा नजदीक है।
मैं जानता हूँ, पर ये बात कोबरा नहीं जानता। ओ। अरे ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें कैसे पता कि वो हमारा पीछा कर रहा था? मैं उसे सूंघ सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि शेरखान उसे भगा दे। जाओ, मैंने अभी अभी सिम्बा और बकशॉट को देखा है। मजाक कर रहे हो? लगता है उन्होंने हार मान ली है। अपने सारे दोस्तों को बुलाओ, यहाँ जरूरत है। सही कहा। काम बन गया। बलू, तुमने सिम्बा और बकशॉट को देखा? नहीं, किसी ने उन्हें सुबह से नहीं देखा। चमेली, वो जरूर दूसरे रोमांच पर निकले होंगे। तुम इतने परेशान क्यों हो? वो घटिया कोबरा फिर से बच्चों के पीछे पड़ गया है। उसने बच्चों का पूरे जंगल में पीछा किया। उसने किया? का और बच्चे तो आ गए, लेकिन सिम्बा और बकशॉट अभी तक नहीं आए। उस सांप के बस अब कुछ ही दिन बचे हैं। बघीरा, कोई खबर? नहीं, हम कांव को भेजते हैं। हे! नहीं। हे! शुक्रिया। उसने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया? नहीं, पर हमें बहुत मुश्किल उठानी पड़ी उसे पीछा छुड़ाने के लिए। हम उसे शेरखान की गुफा तक ले गए। तुमने खुद को मुसीबत में क्यों डाला? हमें लगा वो शेरखान उस सांप को जंगल से भगा देगा, पर उसने मुकाम तबाह के पर छोड़ दिया। पर हमें उससे जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा। वो बिना वजह सब बर्बाद कर रहा है और वो हमारे पीछे पड़ा है। हाँ, उसने वाकई ही अपनी इज्जत खो दी है। मैं जाकर देखता हूँ। ये मेरी गलती है कि वो अब तक इस जंगल में है। रुको, कुछ चीजें हैं जो तुम्हें उसके बारे में जाननी चाहिए। उसके दो सिर हैं जो आग उकलते हैं, और वो बहुत तेज है और बहुत चालाक भी। तुम एक पल के लिए भी उसकी तरफ पीठ नहीं कर सकते। मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए अगर उससे पीछा छुड़ाना है तो।
मैं तुम सबको जला डालूं। यहाँ ऊपर सिम्बा कहाँ है? छोड़ो उसे। पानी में ओमान उसे देख लेगा। बकशॉट हमने कर लिया। तुम बहुत बहादुर हो। अब हमें कभी उस कोबरा की चिंता नहीं करनी होगी। सिम्बा हमेशा अपना काम पूरा करता है। ये बात हमेशा सिम्बा के पिताजी कहते थे और मुझे यकीन है कि आज वो उस पर गर्व करते होंगे। सिम्बा और उसके साथी हर दिन और समझदार हो रहे हैं। नए अनुभवों के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। हम सब मिलकर अगली बार उनके नए कारनामों को देखेंगे।